चोरी होगी तो भरपाई कौन करेगा? हो जाए ये क्या खा रहा? अरे मत छोड़ बचवा ले तेरी भैंस की टांग, छोड़ा कर तू वहाँ से फटती है। चल जाओ छपरी राइडर जा रहे हैं, देखा नहीं देखा ये बोले चढ़ाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट न्यू मार्केट, हो सके न्यू मार्केट जाएंगे विशाल में, क्योंकि थोड़ा सा हमने बोला था ना कि बहनों का कपड़ा दिलाना है, तो अभी टाइम आ चुका है एंडिंग वाला टाइम बोले तो, कल जाने ही है तो आज सब करवा देते हैं, कल घर में फ्री रहेंगे, मतलब शाम के 5 बजे स्टेशन पहुँचा देंगे, निकल जाएंगे, ट्रेन है इनकी, तभी चलते हैं अपन। भैया लोग पीछे आ रहे हैं, मैं आगे, मैं फिर से आज डेली की तरह पवन गाड़ी ले लिया हूँ, अब ऐसे गाड़ी लेके जाऊँगा फटाफट। ये कौन सी अच्छी लग रही है, FZ है क्या? नहीं, जो भी हो अच्छी लग रही है, MT है। भाई ये दानिश नगर पहुंच चुके हैं और यहाँ हमेशा की तरह आज भी ट्रैफिक लगा हुआ है, पर क्या कर सकते हैं हम, ऑटो के बाजू से घुसेड़ सकते हैं गाड़ी, हाँ ये तो कर सकते हैं, इधर पुलिस वाली मैडम भी खड़ी है आज तो, इसके अलावा चलो भैया 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 ये लो भैया। अरे भाई कहाँ सारी गाड़ी, रोको 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 रोको, क्या बात है जी, ये कहाँ से आ गए जी, चलो अंकल पीछे देख के, ये भाई ऐसा लग रहा है ना कि खाना बना रहे खाना खराब हो गया है। भैया मार मत देना, बच्चा बचा लो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, एक्सीडेंट है, बच गया बच गया। इधर कितना लंबा ट्रैफिक लग गया बे, कितना लंबा ट्रैफिक है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक चारों तरफ ट्रैफिक, पता नहीं ये लोग पीछे रह गए कहाँ रह गए हैं, इनके लिए आगे रास्ते में कहीं रुकेंगे हम, समझ रहे हो, क्योंकि ये ऊपर ऊपर ना चले जाएं, इसलिए हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर जाएंगे लंबा पड़ जाएगा, नीचे नीचे जाएंगे सही रहेगा, तो इसलिए हमें रुकना है। समझे, हम पेट्रोल पंप के पास, हम सोचे पेट्रोल डला रहे, भीड़ ना हो तो, भीड़ है क्या ए, तो दो तीन लोग तो खड़े हैं, ए तुम लोग उतरो पेट्रोल डला के आ रहा हूँ मैं, ठीक है यहीं खड़े रहो, रोड पर उनको देखना, रोक लेना उन्हें पहले। चलो भैया अंकल के पास डालते हैं गाड़ी यहाँ पे बहुत बढ़िया, एक बंदे हो जाए फिर अंकल के पास आगे करते हैं, पेट्रोल डला के फिर निकलेंगे। डल चुका है, ये लोग नहीं दिखे तुम्हें, फोन लगा चल जाओ, एक बार भी नहीं दिखे, कहाँ रह गए ये लोग, क्या ऊपर ऊपर ना निकल जाए, मोबाइल ही नहीं लिया था, ये किसने लगा, बोलू नहीं लिए क्यों, कितनी पागल यार भैया, अरे मत छोड़ उसको यार भैया, मत छोड़ अगर उसको निकल जाएगी, ये कोई इधर उधर नहीं देखते, सच्ची पागल है, मत देख उसको भाई, मत छोड़ा कर उसको, मत छोड़ भाई टट्टी, अरे बहुत बड़ा कांड होता, मेरी बहन को भी एक कार उड़ाते उड़ाते बच गई, क्योंकि मेरी बहन की गलती थी उसमें, इसमें कार वाले की गलती नहीं थी, इसमें भी लड़की की गलती थी, क्योंकि वो देख नहीं रही थी इधर उधर सीधे चलती आ रही थी, और कार वाला ठोकते तो गलती कार वाले को होती, पर कार वाले गलती जरा से नहीं थी, क्योंकि वो अपने रोड पे चल रहा था, बस ये गलत आ रही थी, समझ रहे हो। तो चलो आ चुके, अभी नीचे चलते हैं, नीचे साइड से यहाँ पुलिस की चल रही है चेकिंग, बस हमें ना रोके, हाँ नहीं रोका है, हेलमेट पहने थे ना हम, इसलिए हेलमेट नहीं पहना, कूद जाते गाड़ी के सामने आके, तो हमको थोड़ा डर लग जाता, बस ट्रिपलिंग में नहीं रोकते, क्या करें भाई, गाड़ी दो ही है, ट्रिपलिंग करना ही पड़ता है, और मैं चलाना तो ही लोगों का है ना, ट्रिपलिंग तो होगी ही, ऐसी बात है ऐसी। तभी पहुंच चुके हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और यहाँ जाने हमें विशाल मेघा मार्ट, पहली बार देख रहा हूँ कि ISBT में ट्रैफिक नहीं है, नहीं ISBT बस स्टैंड में हमेशा ट्रैफिक रहता है, पर आज एक ही बस खड़ी दिख रही है, वो भी दूर साइड पे, क्या बात है, पहली बार बस वाले ने साइड पे लगा के रखा है, इधर लगा के रखा है, नहीं तो आधी रोड में आधी, जो ये वाइट वाइट वाला ना यहाँ बस खड़ी होती थी, पर आज पहली बार बस वाले ने थोड़ा सा अच्छा काम किया है, आज यहाँ भी ट्रैफिक नहीं है यार, यहाँ भी क्लियर है आज, क्या बात है भाई, एक ही दिन पूरा सब सुधार दिया क्या, हम कुछ दिन पहले आ जाए ट्रैफिक था, आ जाए ट्रैफिक नहीं है, बहुत बढ़िया, क्या बात है जी क्या बात है, एक्टिंग के ट्रैफिक बादशाह जी है। पहली बात तो भैया ने विशाल मेगा मार्ट देखा कि नहीं देखा ये मुझे नहीं पता, अगर देखा हुआ सही जाएगा, नहीं देखा हुआ तो गलत जाएगा। चुके हैं MP नगर, ये लोग कहाँ हैं पता नहीं, हाँ चलो सही रास्ते पे गए हैं, जल्दी चलो सिग्नल हो जाएगा, जल्दी चलो अंकल, ऑटो वाले अंकल जल्दी कुछ छेड़ दो, सिग्नल हो जाएगा,
क्या बात है, बहुत जल्दी हमने भी लगा दिया गाड़ी। ओ भाई साहब, ये विशाल आ गए हैं, बस गाड़ी पार्किंग में लगाना है अपने को। गाड़ी किधर लगाने का, किधर लगाने का, चलो इधर लगाते हैं। उधर से उतरो, उतर गए। मैं लगा ये गाड़ी कैसे आवाज़ करने लगी। यहाँ लगा देते हैं भाई साहब, वहाँ किसी को रखा तो नहीं है, नहीं है कहाँ, बंद है ना, ताला लगा है। अगर गाड़ी गलती से चोरी भरपाई कौन करेगा, गाड़ी चोरी होगी तो भरपाई कौन करेगा, अगर गलती से यहाँ चोरी भरपाई कौन करेगा, भरपाई कौन करेगा, नहीं दे रहे पार्किंग, चल रहे दिखाएगी तो क्या। अब हम निकल रहे हैं, हमारी जो शॉपिंग वॉपिंग होनी थी हो चुकी है, फ्रेश गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं। जगह कहाँ है, जगह किधर है, इधर। विशाल से निकल चुके हैं शॉपिंग करके, शॉपिंग पार्ट डन इनका। अब चलते हैं फटाक से घर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारे साथ वाले पीछे रह गए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। भैया से पैसे लेने जा रहा, क्या बात है, रुके देख रहा हूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया, भैया ने वाला दे दिया है, बहुत बढ़िया। क्योंकि पार्किंग में देखो, पार्किंग में लगाते हैं, अगर वो बंदा भरोसे बंद हो, अगर गाड़ी चोरी हो वो देने को तैयार हो, क्योंकि पार्किंग वाले पूरे अगर रहती जवाबदारी रहती है कि अगर गाड़ी वाड़ी कुछ हुआ, कुछ भी खर्चा आया तो पार्किंग वाले देंगे। पर ये ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था, वो सस्ती सी पर्ची कहीं से ला लिया था, वो ये हमें बता रहा था, इसलिए नहीं दिए हैं पैसे। अब फटाक चलते घर, क्योंकि आरा का बर्थडे है, फटाफट घर ही पहुँचना है हमें। चुके वही बाई रोड पे जहाँ हमारा कैमरा बंद हुआ था, जहाँ हमारे कैमरे की पूरी वॉइस चली गई थी, और यही जगह है जहाँ लड़ाई भी हुई थी, लड़ाई भी अच्छी खासी बची थी। पर क्या करें, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते थे। और यहाँ बहुत लंबा जाम लगा, सभी गाड़ी तेजी तेजी चल रही ना, उस दिन गाड़ी नहीं चल रही थी, उस दिन लंबा जाम था एकदम भयंकर वाला। अभी चलना है भैया, वो फुल्की खाना, देखते हैं फुल्की खाते हैं भैया के अंकल के पास से। शॉपिंग वॉपिंग डन, कहीं थोड़ी सी भी लाइटिंग मिल जाती है ना भाई, क्या तो क्वालिटी देता है, हल्की सी लाइट। अगर तुम बाहर भी कहीं शूट कर रहे हो वीडियो, मतलब कि मोटर ब्लोइंग ना करके नॉर्मल ब्लोइंग कर शूट कर रहे हो ना, लाइट होनी चाहिए, फिर क्वालिटी देखो, फटता नहीं है। बाकी आईफोन में अंकल को लगता है मौत के मुंह में आना है, पर आईफोन से फटती है। आईफोन में अगर रात में शूट करो ना तो वहाँ से फटती है, पर यहाँ सही है। और ये देखो छपरी राइडर जा रहे, तीन, दो छपरी गर्ल एक छपरी बॉय, टोटल हुए तीन छपरी। ये दिखा दो तुम्हें छपरियों को, ये देखो ये है छपरी, ये छपरी छपरी काय चिल्लान। ओ भाई, ये लोग चिल्ला चुट करते रास्ते में आते हैं। छपरे इधर आ चुके हैं, और आज हमने कैमरे में 6 मिनट की क्लिप ही शूट नहीं की, ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 मिनट शूट किया होगा, एक क्लिप होगी जो 1.5 से 2 मिनट की, बाकी हम सब छोटी छोटी क्लिप शूट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वॉइस चली जाती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि लगातार उसमें बातें करते हो, अच्छी अच्छी बातें बताओ, अच्छी चीज़ें दिखाओ, और क्लिप नहीं आती और वॉइस ना आए तो बहुत गंदा लगता है, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, और इस रोड में अंधेरा क्यों यार, जब मोदी जी आएंगे तभी क्या चलेगी लाइटें, जब तक मोदी जी आते तब सारी लाइटें जलती, जब मोदी जी नहीं आते सारी लाइट बुझ जाती है, पर कोई ना। तो भाई ये पता नहीं ये ट्रक ख़राब है या क्या ख़राब है, भी इस रोड पे खड़ा था, यहाँ ट्रैफिक लग रहा, हल्का सा ट्रैफिक लग रहा है, क्या होगा ट्रक को, ट्रक ख़राब हो गया है। और बस वाले ने यहाँ बस नहीं रोकी आंटी लोगों के लिए, बहुत गलत किया, छाले छाले बच वाले तेरी भेज की टांग। क्या लंबा ट्रैफिक है, अरे यार गलत कर दिया यार भाई, आगे से रास्ता है वहाँ से डाल देंगे। चलो अरे भैया, अरे ट्रैफिक लग गया, अरे वहाँ से घुसेड़ेंगे ना भाई, वो बहुत आगे ट्रैफिक के लिए बहुत आगे जाना पड़ा, यहाँ से घुसेड़ेंगे सर, जहाँ से एक बंदा घुसेड़ के गए। अरे यहाँ डाल दो, हाँ हाँ वही कर, यहाँ से डाल दें, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई जी, क्या बात है भाई जी। ये लो भैया, यहाँ से हमने गाड़ी डाल दिया, देख रहे हो शॉर्टकट से, कौन जाए ट्रैफिक में इतना सारा। तो ट्रैफिक खूब चीड़ फाड़ के हम आ चुके हैं बागसोनिया के आगे, बोलो तो दानिश नगर ही समझ लो, और फटाफट यहाँ से चलते घर, हो सके फुल्की खाएंगे, खाएंगे तो, नहीं तो भाभी का फ़ोन आ चुका, बोले केक कटने का टाइम हो गया, आ जाओ
तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि केक कटने का उसका टाइम हो चुका है, भतीजा है अपना, इसलिए ठीक है। चलो बढ़िया है, चल तो चलो भाई, पानी पूरी खा के निकल चुके ये दोनों, एक जारी गन्ना जूस पीने, पता नहीं क्यों ये छिपकली ने पानी पूरी नहीं खाया, वैसे तो इसको बहुत पसंद है जब घर में बने, बाकी बाहर पता नहीं क्यों नहीं खाते। ए मेरा मोबाइल किसके पास है? हाँ ठीक है, अभी डर गया था भाई मैं, ऐसे मजाक नहीं किया करो भाई, बहुत जल्दी डर जाता हूँ, बहुत तेज डर जाता हूँ डरने में। पूछने वाले हैं इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा होगा जरूर आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, जितनी भी चीज़ है सब कुछ कर लो, क्योंकि बस करना है, अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलो बाय बाय।